मध्य प्रदेश के खंडवा में गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी का दिन खंडवा पुलिस प्रशासन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि खंडवा आप जानते हैं सेंसिटिव है। ऐसे में खंडवा के प्रशासनिक अधिकारी और उनकी टीम खंडवा की रोड पर झांकियों के दौरान, गणपति विसर्जन के दौरान मुस्तैद रहती है। खंडवा में रात भर झांकियों का कारवा चलता है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम जहां जहां उनके पॉइंट्स होते हैं वहां पर लगातार मुस्तैद रहती है। आपको बता दें, खंडवा SP विवेक सिंह, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और खंडवा CSP पूनम चंद्र यादव सहित सभी थानों की टीम, पुलिस का बल, बाहर से आया फोर्स रात भर मुस्तैद रहा। कई लोगों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाए कि उनके साथ पुलिस ने अभद्रता की, परंतु आपको बता दें कि इस तरह के आरोप लगते रहते हैं जो खासकर झांकियों का दिन होता है, क्योंकि झांकियों के दौरान कुछ लोग नशे की हालत में रहते हैं और आपस में झगड़े करते रहते हैं। ऐसे में पुलिस को इस तरीके का व्यवहार करना पड़ता है। इस तरह की बातें कई सालों से होती चली आ रही हैं। आपको बता दें कि खासकर जब सुबह सुबह झांकियाँ बजरंग चौक से कारवाड़ी की दिशा में बढ़ती हैं, तब पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं, पुलिस ने इस बार नाका बनाया हुआ था, जैसे ही झांकी आगे बढ़ जाती थी नाका लगा दिया जाता था, फिर पुलिस की टीम दूसरी झांकी को जाकर लेकर आती थी और फिर उन्हें आगे बढ़ाती थी। इस तरीके से रात भर पुलिस की टीम ने मेहनत की और पुलिस की प्रशासन की टीम की मेहनत का नतीजा ये रहा कि शांतिपूर्वक तरीके से गणेश जी का त्यौहार समाप्त हो गया। और आप जानते ही हैं कि खंडवा में गणेश जी के त्यौहार को लेकर पहले किसी समय ऐसा हुआ करता था कि इतनी टेंशन रहती थी लोगों को कि वह किराना भर लिया करते थे। लोगों को यह परसेप्शन हो गया था, यह अवधारणा बन गई थी कि गणेश चतुर्थी में, गणेश जी के त्यौहार के समय कुछ होना ही होना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खंडवा की जनता ने बेहद संयम रखते हुए, बेहद डिसिप्लिन रखते हुए शांतिपूर्वक तरीके से हर त्यौहार मनाए हैं और इस बार भी गणेश जी का त्यौहार बेहद शांतिपूर्वक तरीके से मनाया, बेहद उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया, संयम रखते हुए मनाया। खूब नाचे, खूब डांस किया, खूब मस्ती की, खूब अखाड़े चलाए और किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं किया। पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसको मेंटेन रखने में मेहनत की और रात भर पुलिस के जवान, प्रशासन के अधिकारी खंडवा की रोड पर कुछ इस तरीके से दौड़ते हुए नजर आए। जहां भी छोटे से छोटा पॉइंट मिलता था, पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती थी। देर रात तक कंट्रोल रूम में, या यूं कहें सुबह तक कंट्रोल रूम में खंडवा SP और कलेक्टर ने मोर्चा संभाला हुआ था। बढ़ते पेट्रोल के झंझट से मुक्ति पाने के लिए आज ही खरीदें कोमाकी की इलेक्ट्रिक बाइक। सैफी कॉलोनी के बगल में हिंदुस्तान अभिकरण के सामने नई स्कूटी के अलावा सर्विस भी की जाती है। एक बार संपर्क करें अथवा जरूर विजिट करें।